अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी। दिस इज वासु एंड यू आर वाचिंग स्टूडेंट इंग्लिश। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के बारे में। दोस्तों, इसके रिगार्डिंग मेरे पास बहुत सारे डीएम्स आए कि सर हम रिन्यूअल के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। दोस्तों, ये आप कैसे चेकआउट कर सकते हो कि आपको रिन्यूअल एप्लीकेशन भरना है या आपका फ्रेश एप्लीकेशन सबमिट करना है। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे फ्रेंड्स गलती कर बैठते हैं, उनका एक्चुअल में रिन्यूअल भरना पड़ता है लेकिन वो गलती से वहाँ पर फ्रेश एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो एप्लीकेशन वहां पर रिजेक्ट होता है। जैसे कि आपको पता है, जब आप अपना अकाउंट लॉगिन करते हो एनएसपी पे, वहां पर एक ऑप्शन आता है डुप्लीकेट एप्लीकेशन यस आर नो, मींस अगर आप लोगों ने रिन्यूअल भी भरा हो तो, और यहां पर आप लोगों ने फ्रेश भी अप्लाई किया तो उसकी वजह से जो आपका स्कॉलरशिप वो आप को वहां पर रिजेक्ट होगा, क्योंकि सिस्टम उसको डुप्लीकेट करा देगा। अगर चाहते हो आपको ये गलती नहीं हो तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा, जिसकी वजह से यहां पर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक भी करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना अगर उनको ये इन्फॉर्मेशन जरूरत पड़ी। दोस्तों, ये आप कैसे चेकआउट कर सकते हो? दोस्तों, इसके लिए पहले आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे। दोस्तों, उसके बाद आपको एक वेबसाइट पे आना होगा जो कि है PFMS। दोस्तों, सिंपली यहां पर आपको PFMS पे चेकआउट करना है। दोस्तों, जैसे आप यहाँ पर PFMS पे चेकआउट करोगे, यहाँ पर आपको पहले वेबसाइट पे विजिट करना। दोस्तों, पहले मैं ये समझाऊंगा आपको कि रिन्यूअल और फ्रेश में क्या फर्क होता है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस साल स्कॉलरशिप भरा और आपको इस साल स्कॉलरशिप आए, मीन आपको नेक्स्ट ईयर रिन्यूअल करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे फ्रेंड्स को अभी तक पता नहीं है कि उनका स्कॉलरशिप आया है या नहीं आया है, जिसकी वजह से उनको पता चलेगा कि हमको रिन्यूअल एप्लीकेशन भरना है या यहाँ पर फ्रेश एप्लीकेशन सबमिट करना होगा। दोस्तों, इसके लिए आपको एक वेबसाइट पर आना होगा, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला है PFMS.NIC.in। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। यहाँ पर आएगा एक ऑप्शन ट्रैक एनएसपी पेमेंट, सिंपली यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप अपने एनएसपी पेमेंट दो तरीके से ट्रैक कर सकते हो, पहला आपके अकाउंट के थ्रू, दूसरा अगर आपके पास एनएसपी की आईडी होगी पिछले साल जब आप लोगों ने रजिस्टर किया होगा, आपके मोबाइल नंबर पे एक आईडी आती है जेके, जो भी आपका स्टेट आता है, अगर यूपी आता है तो मीन यूपी अकॉर्डिंग टू स्टेट, वहां पर जो पहले दो वो अल्फाबेटिक होती है, उसके बाद सारे डिजिट न्यूमेरिक होगी। यहाँ पर मैं अपना जो स्कॉलरशिप चेक करने वाला वो मैं यहाँ पर अपनी आईडी से करना है। सिंपली यहाँ पर आपको अपनी आईडी पेस्ट करनी होगी, यहाँ पर इंश्योर भी कर सकते हो। फिर यहाँ पर आपको कैप्चा देना होगा जो सिंपली सारा स्मॉल डिजिट्स में होता है। फिर यहाँ पर आपको सर्च पे क्लिक करना होगा। दोस्तों, जैसे आप यहाँ पर सर्च करोगे, आपका सारा डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगा, मीन्स जब भी आप लोगों ने एनएसपी से अपना स्कॉलरशिप हासिल किया है वो सारी डिटेल्स यहाँ पर आपके सामने शो हो जाएगा। दोस्तों, सिंपली यहाँ पर आप जो मेरा पेमेंट स्टेटस दिखा रहा है वो जो पहला मेरा आ रहा था 2021 में, उसके बाद 2020 को भी मेरा पेमेंट आया था, फिर यहाँ पर इस साल भी आया है 2022 में भी मेरा स्कॉलरशिप है, मीन्स मैं यहाँ पर इस साल भी रिन्यूअल के लिए एलिजिबल रहता हूँ। दोस्तों, सिंपली अगर आपको यहाँ पर पेमेंट डिटेल्स दिखा रहा है, मैंने 2020 का कोई भी पेमेंट डिटेल्स यहाँ पर आपको दिखा रहा है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपली यहाँ पर रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना। दोस्तों, ये था यहाँ पर नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की जो आपको आईडी मिलती है उससे सर्च करना। दूसरा, यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट के साथ भी सर्च करते हो, सिंपली जिस बैंक में आप लोगों ने अपना अकाउंट नंबर दिया है, जो आप लोगों ने एनएसपी स्कॉलरशिप में अपना अकाउंट नंबर दिया वो किस ब्रांच में, फर्स्ट 3-4 लेटर्स यहाँ पर इंसर्ट कीजिए और यहाँ पर जो आपका बैंक वो इजी तरीके से शो हो जाएगा, जो भी आपका बैंक है, फिर यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको वो अकाउंट नंबर देना होगा जो आप लोगों ने जब अपना एनएसपी स्कॉलरशिप भरा था वो यहाँ पर आपको देना होगा, जैसे मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। फिर यहाँ पर आपको फिर से कैप्चा फिल करना होगा, जैसे मैं प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ वैसी प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा। अगर फिर भी यहाँ पर कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो कुछ नहीं करना है, सिंपली मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम करना, वहां पर मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर यहाँ पर आपको सर्च पे क्लिक करना होगा, जैसे आप सर्च पे क्लिक करोगे दोस्तों, यहाँ पर फिर से देखोगे, यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स फिर से आएगी, मैंने जो आपका स्कॉलरशिप वो यहाँ पर इसी तरीके से शो हो जाएगा। उसके बाद कुछ नहीं आपको करना है, आपको सीधे एनएसपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। यहाँ पर अगर आपका रिन्यूअल सबमिट करना है तो यहाँ पर आपको इजी तरीके से जो एनएसपी का पहला इंटरफेस आता है, यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शंस आएंगे। अगर वहाँ पर आपकी डिटेल्स आती है, मीन्स आपका यहाँ पर रिन्यूअल सबमिट करना होगा। लेकिन अगर वहाँ पर आपका कोई भी डिटेल शो नहीं हुआ देन यू हैव टू अप्लाई फॉर फ्रेश एप्लीकेशन। उसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई, इजी तरीके से वो चेकआउट कर सकते हो। आपको उस वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, ऊपर आई बटन पे भी चेकआउट कर सकते हो। अगर आपका वहाँ पर डिटेल शो हो रहा है तो देन यू हैव टू अप्लाई फॉर रिन्यूअल एप्लीकेशन। ऑलरेडी इसके लिए मैंने वीडियो बनाया कैसे आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। यहां पर आपके लिए बहुत सारे फ्रेंड्स को कंफ्यूजन होता है कि सर हमारी आईडी अभी तक पता नहीं है कैसे रिन्यूअल करेगी। सिंपली यहां पर आपको कुछ भी नहीं करना है, यहां पर आपको फॉरगेट आईडी पे क्लिक करना होगा और यहां पर आपको अपना अकाउंट नंबर देना होगा। जैसे मैं यहां पर आपको शो करूंगा, जो मेन प्रॉब्लम यहां पर स्टूडेंट्स को आता है वो मैं पहले यहां पर आपको क्लियर करूंगा। जो भी आपका अकाउंट नंबर है वो यहां पर आप एंटर कीजिए और इसी तरीके से यहां पर जो आपकी एनएसपी आईडी वो यहां पर शो हो जाएगा। आई होप गाइस यहां पर अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, जो यहां पर आपका एक कंफ्यूजन रहता था कि आपको फ्रेश
ऑथेंटिकेशन अप्लाई करना है या आपका रिन्यूअल आ रहा है, वो सारा यहाँ पर मैंने आपको कंफ्यूजन क्लियर किया है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।